Hello guys, in the sixth part we see today socialist system. Socialist system originated because of limitations and failures of market system. Countries like Russia and China have achieved fast economic progress by adopting this system. Socialist system. Samajwadi Padruti. समाजवादी पद्धति. बाजार पद्धति की अनेक खामियों और असफलताओं के कारण से समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ है. तो इसमें रशिया एंड चाइना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक आर्थिक विकास किया है. रशिया और चाइना अचीव फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस ये सोशलिस्ट सिस्टम है. Because socialist system is quite opposite to market system. Samajwadi Padruti Bajar Padruti se ekdam virodhi hai. Dono ek dusre se opposite hai. In the socialist system, all economic decisions are taken by the state machinery. So state government should take all the control and also the decisions about the socialist system. State owns all the resources of production. Rajya Sarkar ke control ke andar sadhanon ka utpadan hota hai. In this system, whole economy is managed by the state. Arthatantr ka sanchalan puri ki puri Rajya Sarkar ke control mein hota hai. Puri ki puri. All the decisions pertaining to production, investment, resource distribution, production distribution are taken after keeping the requirement of the society in mind. Jitne hain samaj ki avashyakta ko dhyan mein rakhkar puri decisions, puri nirnay, that means kis mein production, investment, resource distribution, production distribution, ye char sara cheez समाज कल्याण के बारे में, समाज कल्याण को ध्यान में रखकर ही राज्य सरकार ने वो निर्णय को पूरी करता है. इन द सोशलिस्ट सिस्टम रेदर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर. समाजवादी पद्धति में सामाजिक कल्याण को ही मुख्यत्व देते. तो अपना बाजार पद्धति में प्रॉफिट को मेन सेंटर रखे, बट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम. प्रोडक्शन ऑफ resources and their prices are decided by the state. Rajya Sarkar sadhanon ka utpadan aur uski bhav iska nirnay Rajya Sarkar karta hai. The responsibility to achieve the target of production ke andar achcha achievement hai aur target badhana hai, production ko badhana hai, ye puri decision जितने भी फैक्ट्रीज होती हैं वो फैक्ट्रीज राज्य सरकार की निर्णय करने के बाद ही, जो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नड फैक्ट्रीज राज्य सरकार की मदद के साथ चलने वाली पूरी फैक्ट्रीज, उनका टारगेट प्रोडक्शन की टारगेट करने में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार के साथ डिसीजन लेने के बाद ही करते. फार्मिंग इज ऑल्सो, कृषि क्षेत्र भी राज्य सरकार का अनुसार के हिसाब से चलता है. तो स्टेट ऑल्सो ओन्ड, फार्मिंग इज ऑल्सो ओन्ड बाई द स्टेट गवर्नमेंट. लेबर आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड अकॉर्डिंगली वर्क इज टेकन फ्रॉम देम. श्रमिकों को उनकी क्षमता, दैट मीन्स उनका वेज, जितने काम किए उसके अनुसार उनका लेबर पे किया जाता है. जब वर्क कंप्लीट होके जाते उसके अनुसार जितने काम किए उनके हिसाब से उनको लेबर भी मिल जाता है. फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, इसका लक्षण हो क्या क्या है. फर्स्ट, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट. उत्पादन के साधनों का मालिक कौन होते हैं, राज्य सरकार. और ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस, अर्थतंत्र का निर्णय पूरा स्टेट गवर्नमेंट लेता है. तो थर्ड पॉइंट में इसमें प्रॉफिट से ज़्यादा समाज कल्याण के ध्यान रख के अर्थतंत्र चलाते. देन लेबर्स, लेबरर्स और पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क
श्रमिकों का काम के बदले वेतन, दैट मीन्स वेजेस, पेमेंट दिया जाता है। सोशलिस्ट सिस्टम का बेनिफिट्स, इसका लाभ क्या क्या? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी अन इम्पॉर्टेंट एंड लग्जूरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल के अंदर जितने भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज चलाता है, वो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के अंदर सोसाइटी के अंदर का समाज की आवश्यकता, समाज के अंदर का जितना आवश्यकता है खाली उसका ही ध्यान रख के उनका प्रोडक्शन करते, बट अनइम्पॉर्टेंट एंड लग्जूरियस आइटम्स का प्रोडक्शन नहीं करते। एज द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन और टेकन बाय द स्टेट, इसके अनुसार से कोई भी डिसीजन से वो स्टेट गवर्नमेंट ही लेते। सो इसके कारण से रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होता है। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड, इधर आय और संपत्ति की असमानता दूर होती है और कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉयटेड, ग्राहकों का शोषण नहीं होता है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ सोशलिस्ट, इसका सोशलिस्ट सिस्टम का कमियां क्या क्या है? सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर समाजवादी पद्धति में, दैट मीन्स समान बंटवारा और सामाजिक कल्याण के उम्दा उद्देश्य के साथ लागू की गई समाजवादी पद्धति में भी कुछ कमियां होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल वेलफेयर, इन दोनों के बीच में अच्छी तरह से करने के बाद भी समाजवाद पद्धति में, सोशलिस्ट सिस्टम में कुछ कमियां होता है। क्या क्या? एज द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, पीपल डू नॉट गेट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का मोटिवेशन और एनकरेजमेंट पीपल को नहीं मिलता है। जिस उत्पादन का साधनों का उत्पादन उत्पादन साधनों का ओनरशिप पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को मिलने के बाद इसमें एक कमियां होता है। यहाँ पर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का मोटिवेशन और एक एनकरेजमेंट, जो काम करते वो लेबर्स को नहीं मिलता है। यस, एनकरेजमेंट नहीं मिलता है। नेक्स्ट, ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन कंटेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द इकोनॉमी, स्पर्धा के अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन को वेग नहीं मिलता है। एक कॉम्पिटिशन कंटेस्ट रिसर्च इसमें नहीं करते। देर इज अ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम, लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिलता है, दैट मीन्स इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं मिलता है। बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, पूरी की पूरी राज्य के संपूर्ण पूरी की पूरी इंटरफेरेंस होने के कारण से यहाँ पर एक फियर, देर इज अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी दैट मीन्स नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है। सो दिस इज द स्मॉल पॉइंट of socialist system. Sixth part, guys, I remembered again and again, this lesson is very important for obtaining good marks. So go through all the important points. Till then, bye. We meet again in next part, that is the last part of mixed economy.